नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। आज हम बात करने वाले हैं हट प्रतिपिका के बारे में। इस पुस्तक का नाम सभी ने सुना ही होगा, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके रचयिता कौन है और इसमें कितने आसन हैं, इसमें कितने अध्याय हैं और इसमें प्राणायाम कितने हैं और भी जो भी इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। हट प्रतिपिका, हट प्रतिपिका हट योग जो ग्रंथ है उसकी एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसके जो रचयिता हैं गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य स्वामी स्वात्माराम जी हैं। हट योग के जितने भी ये ग्रंथ हैं, यह पुस्तक हट प्रतिपिका सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। और हट योग के जो ग्रंथ है, ये दो और ग्रंथ है, उनका नाम है ग्रंथ संहिता और शिव संहिता, और इनकी जो रचना हुई है वो 15वीं शताब्दी के आसपास में हुई है। हट प्रतिपिका में की पुस्तक में 4 अध्याय हैं और उन अध्यायों में आसन, प्राणायाम, चक्र, कुंडली, बंध और क्रिया, शक्ति, नाड़ी, मुद्रा आदि का व्याख्यान किया गया है। इसमें 4 आसन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जिसका नाम है सिंहासन, पद्मासन, सिद्धासन और भद्रासन। हट योग प्रतिपिका में 15 आसन बताए गए हैं और इसमें 4 आसन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन और भद्रासन। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धासन के बारे में। स्वात्मा राम जी के अनुसार इस पुस्तक में कहा गया है कि जिस प्रकार कुंभक के समान कोई दूसरा कुंभक नहीं होता, उसी प्रकार मुद्रा के समान कोई दूसरी मुद्रा भी नहीं होती है। खेचरी मुद्रा के समान कोई दूसरी मुद्रा भी नहीं होती है और ना ही नाद के जैसा कोई लय होता है, उसी प्रकार सिद्धासन के जैसा भी कोई दूसरा आसन नहीं होता है। जिस प्रकार पद्मासन को करने से हमें लाभ प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमें सिद्धासन को करने से सेम उसी प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। हमें हमारे शरीर के लिए सिद्धासन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर हम इसको करते हैं तो शारीरिक और मानसिक हमें यह दोनों स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब सवाश ये इसमें किस स्थिति में सिद्धासन को करना चाहिए, जैसे कि हमें श्वास की प्रॉब्लम हो गई, हृदय की प्रॉब्लम हो गई, दमे की प्रॉब्लम हो गई, मधुमेह की प्रॉब्लम हो गई, बुखार हो गया इत्यादि, हम उसमें कर सकते हैं इसको बीमारी में। अब किस स्थिति में यह सिद्धासन नहीं करना चाहिए, जैसे कि ग्रस्त लोगों को ज्यादा लंबे समय के बाद नहीं करना चाहिए, सिद्धासन को ज्यादा बलपूर्वक नहीं करना चाहिए, यह हम ये भी कह सकते हैं कि सिद्धासन को बलपूर्वक नहीं करना चाहिए। साइटिका, स्पोंडलाइसिस, घुटनों में पेन हो जाना, जोड़ों में दर्द हो जाना, हमारी कमर में दिक्कत हो जाना या गुदा रोग, बवासीर इत्यादि से संबंधित जो लोग हैं उनको भी सिद्धासन नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिद्धासन को हमें किस प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार हमें अपने मैट के ऊपर बैठ जाना है और सबसे पहले हमें बाएं घुटने को अपने एनस पॉइंट के आगे लगाना है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम उसको एनस पॉइंट के आगे अपनी हील्स को लगाएंगे और दूसरे पैर की एडी को हम उसी पैर के ऊपर ऐसे रखेंगे, दाएं को बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे और इस प्रकार से रखने के बाद अपने हाथों की पोजीशन हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार से कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी, हमारी जो एडी हमें जिस पॉइंट पे लगाना है स्पेशल हमें उसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। स्पेशल आपको एनएस पॉइंट के आगे ही अपनी एडी को लगाना है, एनएस पॉइंट पे भी नहीं लगाना है, ठीक है। इस प्रकार अपनी हम पोजीशन में आ जाएंगे, मुद्रा में आ जाएंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी, आंखें बंद होने के बावजूद भी हमें मध्यवर्ती में हमें देखना है इस प्रकार से, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे और गहरा लंबा श्वास हम लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। जिस प्रकार हम सांस ले रहे हैं, हर एक सांस को अपने बॉडी में फील करेंगे और उसको वैसे ही हम इनहेल करेंगे और वैसे ही हम उसको एक्सहेल करेंगे। बस ध्यान रहे कि आपको मध्यमा देख के में देखना है, मध्यमा देखना है, ठीक है ना। मध्यमा इस पॉइंट को कहते हैं, यहाँ पर आंखें बंद करने के बाद अपने ध्यान को यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे और आप इसमें इसे करने से बहुत जल्दी आप लाभ प्राप्त करोगे। ये जो आसन होता है ये हमें सिद्धियां प्राप्त करने में भी बहुत ज्यादा फायदा देता है, सिद्धासन। अगर आप जैसे मैंने अभी यही आसन किया, अगर आप इस क्रिया को इसी प्रकार से दोहराते हो तो आपको जरूर लाभ होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि
नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी मैं उसमें आपके लिए पद्मासन लेकर आऊंगा और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज के लिए हमें पद्मासन करना चाहिए और किसमें नहीं करना चाहिए, उसके बेनिफिट क्या होते हैं। अगर आप इस आसन को नियमित रूप से करते हो तो आपको जरूर बेनिफिट होगा, लाभ प्राप्त करोगे आप। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।